अगली खबर में आपको बताते हैं कि सीधी जिले की नाबालिग लड़की के साथ रीवा में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो 7 दिन पहले आरोपी किशोरी को झांसा देकर रीवा लाया था। यहां बस स्टैंड में खड़ी यात्री बस में ले जाकर रेप किया। दूसरे दिन आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़िता सीधी पहुंची, जिसने परिजनों को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद मां किशोरी को लेकर सीधी महिला थाने पहुंची, जहां महिला पुलिस अधिकारी ने बयान लेकर मेडिकल चेकअप कराया। रेप की पुष्टि होने पर सोने पर मामला दर्ज कर केस डायरी रीवा शहर के समान थाने भेजी गई। ऐसे में समान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को घटना स्थल देखने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी तरुण यादव निवासी झाला थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी 5 जून को एक नाबालिग लड़की के साथ रीवा आया था। उसने समान थाना परिसर नया बस स्टैंड से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़ी यात्री बस में ले गया। पीड़िता के विरोध करने पर बहला फुसलाकर शादी का वादा किया, फिर नाबालिग लड़की को झांसे में लेकर दुष्कर्म किया। पुलिस अधिकारियों की माने तो वारदात के 4 दिन बाद 9 जून को सीधी महिला थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। 10 जून को केस डायरी मिलते ही आरोपी को झाला गांव से गिरफ्तार कर रीवा लाया गया है। फिर 11 जून को कोर्ट में पेश किया गया है। चर्चा है कि आरोपी नए बस स्टैंड में खड़ी मिश्रा ट्रेवल्स की बस ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।